एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। पेशावर, स्वात, नारोवाल और वज़ीराबाद में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड की गई है। तो लाहौर समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, इसके साथ साथ KP के भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। पेशावर से हमारे साथ इमरान बुखारी मौजूद हैं, उनसे तफसीला जान लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जल्दी के झटकों के बाद लोग तो दफातर और घरों से बाहर निकल आए थे। अब तक की जो इतलाहत है उनके मुताबिक 5.6 शिदत का ये जलजला था। 10 किलोमीटर इसकी गहराई थी। मशरकी जो कश्मीर इसलिए एरिया है, जलजलों के हवाले से पहाड़ी बेल्ट बहुत हसास बरदानी जाती है। अब्बोत्ताबाद, मानसेरा और मलिका जो इलाके हैं, स्वात तक, कागान, नारान तक, यहाँ पर भी जलजले की शिदत महसूस की गई। ये इलाके हसास है, इससे कबल भी यहाँ जलजलों की वजह से काफी बड़ी तबाही हो रही थी। इस वक्त किसी नुकसान की इतला ताहर मौजूद नहीं हुई। तहम इमदादी इदारे मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। इमरान साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से फौजिया अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, एक बार फिर से बताएगा, कुछ नई अपडेट्स आई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला आया है, इसकी शिद्दत 5.6 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी जेर ज़मीन गहराई जो है वो 10 किलोमीटर बताई जा रही है ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक। और जो इसका मरकज़ है वो कश्मीर के मशरक में था। ज़लज़ला जो है वो पाकिस्तान समेत जो है वो इंडिया और चाइना में भी महसूस किया गया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए हैं, क्योंकि ज़लज़ले की जो गहराई है वो सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो इस हवाले से कश्मीर और जो शुमाली इलाका जाते वहाँ पर इसकी शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की गई है। कोटली, आज़ाद कश्मीर में मीरपुर, कागान, नारायण वाली साइड पर जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो महसूस की गई है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी ये ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। खौफ और रास लोगों में पाया गया है और लोग जो अपने दफातर और घरों से बाहर निकले हैं। जी शुक्रिया आपका फौजिया, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। और पेशावर से हमारे साथ इमरान बुखारी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।